हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 3 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स के साथ यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। फॉर द सेकेंड ईयर इन सक्सेशन तेलंगाना रैंक्स नंबर 1 इन द ई लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 डॉक्टर एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूट एनरोल्ड ओवर 20,000 फील्ड स्टाफ इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन 12 सॉफ्ट स्किल्स मॉड्यूल्स एंड 3 डोमेन स्पेसिफिक मॉड्यूल्स। उत्तराधिकार के दूसरे वर्ष में तेलंगाना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के ई लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में नंबर 1 पर है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान डॉक्टर एमसीआर एचआरडी संस्थान ने राज्य के विभिन्न जिलों में 20,000 से अधिक फील्ड स्टाफ को 12 सॉफ्ट स्किल्स मॉड्यूल और 3 डोमेन विशिष्ट मॉड्यूल आरटीआई कार्यालय प्रक्रिया और वित्त और वित्त पर प्रशिक्षण खाते सतत विकास लक्ष्यों के अलावा प्रदान करने के लिए नामांकित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। चाइना है सक्सेसफुली लॉन्चेज द फर्स्ट ऑफ इट्स न्यू जनरेशन डाटा रिले सैटेलाइट तियानलियन सेकेंड 01 इंटू ऑर्बिट दैट विल प्रोवाइड डाटा रिले मेजरमेंट एंड कंट्रोल सर्विसेज फॉर इट्स मेन्ड स्पेसक्राफ्ट। इट वॉज लॉन्च्ड बाई ए लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट फ्रॉम द चियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइनाज सिचुआन प्रोविंस। चीन ने अपनी नई पीढ़ी के डेटा रिले उपग्रह तियान लियन द्वितीय 01 को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह अपने मानव युक्त अंतरिक्ष यान के लिए डेटा रिले माप और नियंत्रण सेवाएं प्रदान करेगा। इसे दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियों की। राजन आनंदन वाइस प्रेसिडेंट फॉर गूगल इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड एजेंशियली हेडिंग गूगल इन इंडिया इज लिविंग द कंपनी आफ्टर एन 8-year स्टेंट। आनंदन हैड जॉइंड गूगल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया इन 2010। गूगल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के उपाध्यक्ष और अनिवार्य रूप से गूगल के भारत में प्रमुख राजन आनंदन 8 वर्ष के कार्यकाल के बाद कंपनी छोड़ रहे हैं। आनंदन ने 2010 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से गूगल में शामिल हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीमेंट समझौतों की। टाटा पावर एंड इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू सेटअप इंटीग्रेटेड कस्टमर सर्विसेज एंड ऑप्टिमाइज वैल्यू फॉर कस्टमर्स। टाटा पावर और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एकीकृत ग्राहक सेवाओं को स्थापित करने और ग्राहकों के लिए मूल्य का अनुकूलन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, इंडिया एंड चिली साइंड 3 MOUs इन द फील्ड ऑफ माइनिंग कल्चर एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। चिली अनाउंसेस इट विल अलाउ वीजा फ्री एंट्री टू इंडियंस होल्डिंग वैलिड US वीजा। भारत और चिली ने खनन संस्कृति और विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। चिली ने घोषणा की है कि यह वैध US वीजा रखने वाले भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज। बैंकिंग व्यापार और अर्थव्यवस्था समाचारों की। रिलायंस निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट हैज जॉइंड हैंड्स विद गूगल टू इनेबल द कस्टमर्स ऑफ रिलायंस म्यूचुअल फंड टू कैरी आउट वॉइस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट ने गूगल के साथ मिलकर रिलायंस म्यूचुअल फंड के ग्राहकों को ध्वनि आधारित वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाया है। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक स्टेट
that it will charge customers for UPI transactions starting 1st of May 2019. For each Kotak Bank account, the first 30 UPI fund transfers will be free, after which a charge will be levied on all fund transfers from the bank account. कोटक महिंद्रा बैंक कोटक ने कहा है कि वह 1 मई 2019 से शुरू होने वाले यूपीआई लेन देन के लिए ग्राहकों से शुल्क लेगा। प्रत्येक कोटक बैंक खाते के लिए पहले 30 यूपीआई फंड ट्रांसफर मुफ्त होंगे, जिसके बाद बैंक खाते में सभी फंड ट्रांसफर से चार्ज वसूला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। 5 times वर्ल्ड चैंपियन लेविस हैमिल्टन वॉन बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2019 टाइटल बाई बीटिंग वाल्टेरी बोटास ऑफ फिनलैंड, हु सिक्योर्ड द सेकेंड पोजिशन। चार्लीज लेक्लेयर वाज फिनिश्ड एट द थर्ड पोजिशन एंड बिकम फरारीज यंगेस्ट इवर रेस विनर एट द एज ऑफ 21 ईयर। 5 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास को हराकर बहरीन ग्रांड प्री 2019 का खिताब जीता। चार्ल्स लेक्लर तीसरे स्थान पर रहे और 21 साल की आयु में फेरारी के सबसे कम आयु के विजेता बने हैं। नेक्स्ट, इंडियन शूटर्स कंटिन्यूड दियर डोमिनेंस क्लेमिंग 5 गोल्ड मेडल ऑन द फाइनल डे ऑफ द एशियन आर्गन चैंपियनशिप टू साइन ऑफ विद ए टोटल ऑफ 25 मेडल्स इन त्यान ताइपी। इंडिया फिनिश्ड विद 16 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। यशवर्धन एंड श्रेया अग्रवाल बैग्ड 3 गोल्ड मेडल्स ईच ऑन द लास्ट डे। भारतीय निशानेबाजों ने ताइवान ताइपे में कुल 25 पदकों के साथ एशियाई एयरगन चैंपियनशिप के अंतिम दिन 5 स्वर्ण पदक जीतते हुए अपना दबदबा कायम रखा। भारत ने कुल 16 स्वर्ण 5 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ चैंपियनशिप समाप्त की। यशवर्धन और श्रेया अग्रवाल ने अंतिम दिन 3 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, ऑप्टिरिज निधन की बात की जाए तो नोटेड फिल्म डायरेक्टर जे महेंद्रन विच इज 79 ईयर्स ओल्ड पास्ट अवे फॉलोइंग ए ब्रीफ हॉस्पिटलाइजेशन। ही वाज आल्सो सीन एज एन एक्टर इन मेनी फिल्म। ही वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ द ब्लू ओशियन फिल्म एंड टेलीविजन अकेडमी बॉपटा इन चेन्नई। महेंद्रन हैज डायरेक्टेड सेवरल मेमोरेबल फिल्म इंक्लूडिंग मुल्लम मल्लूरम, जॉनी एंड नैन जथानी किल दे। 79 वर्षीय प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जे महेंद्रन का अस्पताल में भर्ती होने के बाद निधन हो गया है। उन्हें कई फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में भी देखा गया था। वह चेन्नई में ब्लू ओशन फिल्म और टेलीविजन अकादमी बोपटा का भी हिस्सा थे। महेंद्रन ने कई यादगार फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें मुल्लुम मलारूम, जॉनी और नैन जथाई किला थे शामिल हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।